हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे द टेलर मेंशन में। देखिए दोस्तों, आज आपको दिखा रहे हैं शर्ट की कटिंग। ये सादा शर्ट है, बिल्कुल लूज शर्ट, सादा ओपन शर्ट नहीं है, नीचे से नई शर्ट कट है, साइड कट भी नहीं है, बिल्कुल सादा है। तो चलिए दोस्तों, इसकी कटिंग करेंगे। ये 2.25 मीटर कपड़ा है। कपड़ा हमेशा उल्टा करें, और शर्ट के लिए कपड़ा फोल्ड कैसे करना है, जैसे कि कपड़ा है इसको ऐसे नहीं करना है। ऐसे करने में क्या दिक्कत आती है, कपड़ा अपना थोड़ा ख़राब ज़्यादा हो जाता है और बचत में कम आता है, ख़र्चा कम पड़ जाता है, तो इसलिए इसको ऐसे फोल्ड करें, किनोर से किनोर मिला के इस प्रकार से ऐसे कपड़ा फोल्ड करें शर्ट का। कपड़ा हमेशा उल्टा फोल्ड करें, सीधा कपड़ा नहीं रखें। इस प्रकार इसको फोल्ड करें, और सबसे पहले कपड़ा बिल्कुल सीधा करें। इस तरीके से बिल्कुल सीधा करें कपड़ा, और इसका जो मेजरमेंट है वो है 27 इसकी लेंथ है, 34.5 इसका चेस्ट है, और 22.5 इसकी आस्तीन है, 17 इसका शोल्डर है, और 15 इसका कॉलर है। तो चलिए दोस्तों, इस मेजरमेंट की कटिंग अभी करते हैं। सबसे पहले अपने को यहाँ से मार्किंग करनी है, किनोर छोड़ के 2.25 इंच की अपनी फैशन पट्टी के लिए किनोर से अलग लें 2.25 इंच का। इस तरह, और अब अपने को इसको बिल्कुल सीधा कर लें। अब इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो 27 है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा लें सादा शर्ट में, क्योंकि नीचे फोल्ड होएगा और ऊपर भी मार्जिन जाएगा। तो 29 लंबाई की अपने को ये काटनी है, यहाँ से 29 पे मार्किंग करें। सादा शर्ट है, खुली 29 की मार्किंग करें, और इसका जो चेस्ट है वो है 34.5, तो इसका 1/4 होगा 8.5 और 1 सूत, तो इसका जो हारमोल है उसमें 1/2 इंच कम नहीं करेंगे, 1/2 इंच से भी 1/2 इंच कम करेंगे, 2 पॉइंट ही ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि लूज शर्ट है, सादा है, तो 8.25 पे मार्किंग कर देते हैं, वरना 1/2 इंच कम करके मार्किंग करें इस तरह, और इस मार्किंग को बिल्कुल सीधा करें। इस प्रकार से अब अपने को यहाँ से कॉलर का मार्किंग करना है 2.5 इंच पे, और इस प्रकार से इसको गोलाई करनी। शोल्डर है 17 का आधा करके मार्किंग करें यहाँ पे 8.5, और 1/2 इंच आगे बढ़ा के रख दें इसको मार्जिन के लिए। इसका चेस्ट है 34.5 है, तो 1/4 आ गया 8.5 और 1 सूत, तो यहाँ से 8.5 और 1 सूत का मार्किंग लगाए चेस्ट का, और 2 इंच इसके अंदर लूजिंग, खुली शर्ट है तो 2 इंच का लूजिंग इसके अंदर दे दें, तो यहाँ से आ रहा है 11.5, तो यहाँ से भी अपने को ये 11.5 का मार्किंग यहाँ पे लगाना, और यहाँ से इसकी कंधी डाउन करेंगे 2 इंच का इस प्रकार से। अब अपनी ये मार्किंग और ये मार्किंग दोनों को सीधी करनी है इस तरह, और यहाँ से अपने को कंधी डाउन करनी है 2 इंच का जो मार्किंग किया है इसको, यहाँ से इस तरह इसकी कंधी डाउन करें,
और यहाँ पे अपने को गोलाई लगानी है, वो थोड़ा इधर दबा के अंदर की साइड इस प्रकार से थोड़ा दबाए, ज़्यादा नहीं। और अब अपने को इसके अंदर शेर पट्टी की जो मार्किंग शेप देना है वो बिल्कुल नॉर्मल देना है, इस तरह बिल्कुल ही नॉर्मल इस प्रकार से। ये अपनी शर्ट की मार्किंग, और यहाँ से जो अपना इसका लंबाई का मार्किंग है, लेंथ का, इसकी लेंथ है 27 और आधा इंची ऊपर का मार्जिन 27.5 पे मार्किंग करें और इसको यहाँ से सीधा कर दें। ये इतना अपना नीचे फोल्ड हो जाएगा। और अब इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले किनार को हटा दें, यहाँ पे कट लगा दे, जो अपना 2.25 इंच का मार्किंग हो रहा है इस प्रकार से। ये अपना सामना कटिंग, और अब इसका बैक कटिंग करें। तो इधर से यहीं पे ये जो कपड़ा है इसी को यहाँ से फोल्ड करें, जितना अपना सामना आ रहा था उतना ही कपड़ा फोल्ड करें, ज़्यादा ना करें। अपना सामना आ रहा था वो 11.5 आ रहा था, तो यहाँ से इतना ही कपड़ा फोल्ड करना है जितना अपना सामना है। तो बैक कटिंग करेंगे तो सबसे पहले यहाँ से करें इसको सीधा, ऊपर जो अपना कपड़ा है ये छोटा बड़ा नहीं रहना चाहिए, इसको बिल्कुल सीधा करें। बिल्कुल आसान सा तरीका दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, ज़्यादा कुछ मार्किंग नहीं कर रहा, बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको शर्ट कटिंग का। इसको ये जो कंधी डाउन किया है हम, इसको यहाँ से बराबर करें, जितना बैक अपना आ रहा है इसको यहाँ पे बराबर कर लें, इस तरह। बिल्कुल शॉर्ट तरीका, आसान तरीका बता रहा हूँ, वरना यहाँ से आपको 1.25 इंच का मार्किंग करके यहाँ से कटिंग करनी, और यहाँ से अपने को 1/2 इंच थोड़ा बाहर की साइड कटिंग करनी है बैक की, और सामने की अंदर की साइड होती है, तो बैक को थोड़ा और बढ़ा के कटिंग कर लें। और इसका जो शोल्डर है वो 17 है, यहाँ से मार्किंग करें आधा करके, और इसके अंदर जो मार्जिन दिया है उतना ही इसी के अंदर दें। और चलिए अब अपना ये बैक कटिंग, बिल्कुल आसान सा तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, सिंपल शर्ट कटिंग बिल्कुल। यहाँ पे लगा दे नीचे कट अपना, जितना फोल्ड होएगा। तो चलिए दोस्तों अब इसकी आस्तीन यहीं से कटिंग करते हैं। आस्तीन को इस प्रकार से फोल्ड करें, थोड़ा उरेव करके तिरछा करके बिल्कुल ऐसे सीधा मार्जिन करेंगे तो कपड़ा वेस्टेज जाएगा, तो इसको थोड़ा इस प्रकार से करें। जितना अपना हार मोल लिया था उतना ही अपने को यहाँ से लेना है। सबसे पहले यहाँ पे मार्किंग करें सीधा, जितना कंधी डाउन किया उतना यहाँ पे मार्किंग करें, और यहाँ से 8.25 का मार्किंग करें। अपनी आस्तीन की लेंथ है 22.5, तो यहाँ से अपने को 22 पे मार्किंग करें, और यहाँ से 5.5 का मार्किंग करें,
और इसके अंदर बिल्कुल नॉर्मल शेप जैसे सामने में दिए थे वैसे ही मार्किंग करें और यहाँ से इस प्रकार गोलाई लगाएं, फिर कर लेने इसकी कटिंग। बीच सेंटर में एक कट लगा दें और ये जो अपना सामने वाला हिस्सा है आधा पौन इंच इसको यहाँ से कटिंग करें, डाउन करें इस तरह गोलाई में। अब अपने को दूसरा आस्तीन कटिंग करना, वो यहीं पे कटिंग कर लें क्योंकि इसके अंदर उल्टा सुलटा नहीं है, अगर उल्टा सुलटा रहे तो बाजू उल्टी सुलटी करके कटिंग करना पड़ेगा तो फिर उसको इधर रखना पड़ेगा। अगर उल्टा सुलटा रहे तो ऐसे रखें इसको, और नहीं रहे तो इसके अंदर यहीं पे कटिंग हो जाएगी तो इसको यहीं पे रखें। और इसके ऊपर जो ये बाजू कटिंग कर रखी है इसके बराबर कटिंग करें इस प्रकार से। जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पे द टेलर मेंशन में और सीखते रहिए नई नई डिज़ाइन, नई नई कटिंग, बहुत लेटेस्ट वीडियो आएंगे आपके पास। चैनल को अभी सब्सक्राइबर नहीं किया तो कर लेना। यहाँ से अपने को चाक पट्टी कटिंग करना है, वो कैसे करना है इसको ऐसे फोल्ड करें और यहाँ पे बीच में एक कट मार्किंग करें इस तरह, और जितना अपना ये बैक वाला हिस्सा है इसको इस तरह फोल्ड करें, आधा पौन इंच इसको बाहर निकाल दें और इसके अंदर नाखून मारें और यहाँ पे लगाए एक कट छोटा सा इस तरह, और यहाँ से 5.5 का मार्किंग करें और यहाँ पे अपनी चाक पट्टी कट कर दें। अब अपना शोल्डर कटिंग करेंगे। ये अपना कपड़ा जो सामने में से निकला था इसमें शोल्डर कटिंग करेंगे तो इसको इस तरह फोल्ड करें। 17 इंच अपना शोल्डर है तो उसका आधा हो गया 8.5, 9 इंच इसको फोल्ड कर लें और यहाँ से मार्किंग करें 5.5 की, 5.5 की, 5.5 की मार्किंग करें, 5.5 या 5.5 कर लें इस प्रकार से। यहाँ से 2.25 इंच का मार्किंग करें जितना कंधी डाउन दिया था इस तरह, और इसको यहाँ से यहाँ से पहले मार्किंग करें 2.5 इंच का कॉलर का इस तरह, और इधर से 1.5 इंच का मार्किंग करें और इसके अंदर ऐसे गोलाई लगा दें और इसको यहाँ से मिला दें इस तरह क्रॉस करें। ये जो अपना मार्किंग था यहाँ पे इसको, और ये जो 2.25 इंच का डाउन किया है इसको जो क्रॉस हो जाएगा तिरछा, जैसे कंधी डाउन किया था वैसे इसको डाउन करना है शोल्डर को, और इस प्रकार इसकी कटिंग करें गोलाई में। इस प्रकार से ये आज का वीडियो अपना पूरा हो गया दोस्तों, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक जुड़े रहिए आपके अपने YouTube चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेंगी।